क्या चेंज करना चाहोगे, अपने इंस्टीट्यूट को भी अपडेट करना चाहोगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे सर, जब अगर हम अपडेट हैं तभी तो हम अगले आदमी को अपडेट कर पाएंगे ना। बराबर। अगर आपको आना है तो एक्चुअली बिल्कुल बेफिक्र आइए और कोई दिक्कत की तरह की बात नहीं। अपडेट में अगर आना है तो आप एक दो बार कॉल कीजिए, आपको अपडेट के लिए भी बैच आपको मिल जाएगा। आपका यूट्यूब चैनल भी है, आप इंस्टीट्यूट भी चलाते हो, तो इस लेवल का पढ़ाया जाता है यहाँ पे कि एक बंदा अगर सही ढंग से काम करे यहाँ पर करे और किसी को सिखाना चाहे तो सिखा सकता है कि नहीं? बच्चों बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे टेलीकॉम अभी आपको इंडिविजुअल अगर चलो ये तो ठीक है, इसके अलावा भी आपको समय समय से बहुत सारी चीजों की जरूरत लगी तो आपको सपोर्ट करता है कि नहीं करता? जी बिल्कुल। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवजन अग्रवाल, आप देख रहे हैं YouTube एशिया टेलीकॉम ऑफिशियल चैनल। और दोस्तों अभी जो ये वीडियो आप देखने वाले हैं, ये वीडियो है हमारे एक स्टूडेंट जो बैकअप सपोर्ट के लिए हमारे पास आए हैं और ये अपना खुद का इंस्टीट्यूट चलाते हैं। इनका इंस्टीट्यूट तब नहीं था जब यहाँ पे पहली बार आए थे, इनका इंस्टीट्यूट तब बना जब यहाँ आके सीख के गए और बहुत अच्छा काम किया। और दोस्तों अपनी मेहनत से इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट भी बनाया और आज उसको चला भी रहे हैं, साथ में बैकअप सपोर्ट भी लेने आए हैं ताकि वहाँ पर भी पढ़ा रहे अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें। आप देखिए एसर टेलीकॉम एक टेक्नीशियन को टेक्नीशियन नहीं बना रहा है, एक उनको उस लायक बना रहा है कि अगर मान लो वो उतने लायक हैं, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो ऑब्वियस है कि आप पहले टेक्नीशियन बन जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 3 से 5 महीने तक लगातार प्रैक्टिस काम ये सब करने पड़ेंगे, हर फोल्ड को बारीकी से समझना पड़ेगा जो भी आप इंस्टीट्यूट से पढ़ कर आए हैं। और अगर आप दोस्तों बहुत पहले से काम कर रहे हैं और आप थोड़ा बहुत काम जानते हैं, मैं बोलता हूँ 10-20% या 30% भी काम जानते हैं, तो ये तो आपके लिए गोल्डन लक होगा ये एसर टेलीकॉम को ज्वाइन करना। क्योंकि इस वीडियो में आपको सुनिए इनकी जवानी कि किस तरीके से इन्होंने इंस्टीट्यूट खोला और आज इनका इंस्टीट्यूट है। और ऐसे ही इन्हीं का नहीं दोस्तों, हिंदुस्तान में देखा जाए तो नेपाल में और दिल्ली में, अगर हम बात करें अगर उड़ीसा में, हैदराबाद में और भी बहुत जगह जगह पर हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट चलाते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसे टेलीकॉम से और आपको लगता है आप में हुनर बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है और आप कहीं ना कहीं छूट रहे हैं, या आपको लगता है आप फ्रेशर हैं बट आपको लगता है कि भाई मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर है ना पढ़ाई 12 घंटे की होती है, यहाँ आपके कंधे पे हाथ नहीं रखेंगे, यहाँ आपको डेली 4 बार चाय नहीं पिलाएंगे, ना आपको बिरयानी खिलाएंगे, ना आपको चाय पिलाएंगे, ना ही आपको एसी में सुलाएंगे, ना ही आपको स्विमिंग पूल में नहलाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी बना रहे आ रहे हैं, कोई हॉलीडे पे नहीं आ रहे हैं। तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, इस वीडियो को पूरा देखें, और कि आप पढ़ने जा रहे हो कोई हॉलीडे पे नहीं, तो उनको चुनो जिनको जिनका आप देखो कि जो लाइव आ रहे हैं, जो जिनकी डेली प्रोग्रेस है, हर दिन का कुछ ना कुछ आउटपुट है, जो अपडेट है, तो ये आप पर है कि आपको किसको चुनना है। आप हमारे फ़ोन नंबर से वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, अभी इस मंथ की बुकिंग चालू हो रहे हैं और कुछ ही सीट बची है, आप उनको रिज़र्व कर सकते हैं, अगले महीने के लिए भी आप बुकिंग को रिज़र्व कर सकते हैं। हम एक मंथ प्री मंथ लेके चलते हैं और जनवरी बैच में अगर आप आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका, पढ़िए सर टेलीकॉम में और सच बता रहा हूँ टेक्नीशियन से कहीं ज़्यादा बना देंगे आपको। बैकअप सपोर्ट में आए हुए एक स्टूडेंट और है, थोड़ा नाम बताइए अपना। मिथिलेश कुमार फ्रॉम बिहार। मिथिलेश बिहार से, बेसिकली कौन सी बैच के स्टूडेंट थे आप? एक्चुअली 2018 में आए थे, उसके बाद 2018 में आए, उसके बाद एमएमसी के लिए 2020 में आए थे, 2020 में अपडेट के लिए 2021 में। यहां से हार्डवेयर करके थे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 2018 में, एमएमसी 2020, अपडेट के लिए 21। अच्छा, अपडेट के लिए 21 में आए, तो यहां आने का मोटिव क्या था आपका? देखिए कहीं ना कहीं अपडेट के लिए आने का ये होता है कि आने के बाद कहीं ना कहीं जैसे कि पहले कुछ और था सर्किट का, अब कुछ और आ रहा है अपडेट, मतलब जैसे अब डबल डेकर आ गया, उस समय नॉर्मली ब्लैक पेस्टेड चल रहा था 2020 में, अब डबल डेकर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए क्या प्रोसेस आ रहा है, उसको कैसे चेंज करना है, जैसे एमएमसी को चेंज करने में बहुत सारा प्रॉब्लम आता था, तो उसके लिए भी हमें अपडेट के लिए आना पड़ा था। हाँ, वो अपडेट तो होना जीवन में बहुत जरूरी है ना, एक 10,000 के मोबाइल को भी अपडेट होना अपडेट जरूरी है, उसके अंदर अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि पर डे तो आप करोड़ों के इंसान, पर डे अप्रोक्सीमेट 100-150 फोन इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें अपडेट होना भी पड़ेगा। बराबर बराबर।
मिथिलेश, आपका YouTube चैनल भी है, आप इंस्टीट्यूट भी चलाते हो, तो इस लेवल का पढ़ाया जाता है यहाँ पे कि एक बंदा अगर सही ढंग से काम करे यहाँ पर करे और किसी को सिखाना चाहे तो सिखा सकता है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल, एशिया टेलीकॉम अभी आपको इंडिविजुअल अगर चलो ये तो ठीक है, इसके अलावा भी आपको समय समय से बहुत सारी चीज़ों की जरूरत लगी, तो आपको सपोर्ट करता है कि नहीं करता? जी बिल्कुल सपोर्ट हुआ आपका जी। थोड़ा एक क्या बोलना चाहेंगे, एशिया टेलीकॉम का चैनल देख रहे हैं, व्यूअर देख रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी आपके लैंग्वेज में क्या, एज ए बीइंग टीचर आप क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली मैं देखिए टीचर का जो बिहेवियर है एक्चुअली में फ्रेंडशिप के जैसे, अगर आपको आना है तो एक्चुअली बिल्कुल बेफिक्र आइए और कोई दिक्कत की तरह की बात नहीं, अपडेट में अगर आना है तो आप एक दो बार कॉल कीजिए, आपको अपडेट के लिए भी बैच आपको मिल जाएगा। और क्या बोलना चाहेंगे, देवसर ये लाइव देख रहे हैं जी, आप देवसर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देवसर बहुत अच्छा ट्रिक से बताते थे, उस समय 2018 की बात करें तो 2018 में भी बहुत ज़्यादा अच्छा बताते थे, और एक समय अगर क्लास में अगर इन किए तो कुर्सी कुर्सी बैठने का कोई ज़रूरत नहीं था, सिर्फ खड़ा होना, अगर कोई बता भी रहे हैं तो सिर्फ खड़ा ही होना, ऐसा नहीं कि बैठ गए बता दिए और बैठ गए, खड़ा ही रहता। तो समय के साथ ऐसे टेलीकॉम अपडेट हुआ है कि नहीं? जी सर बिल्कुल अपडेट हुआ है, अगर अपडेट नहीं होता डबल डेकर आज अपडेट में चल रहा है तो कैसे बताते हैं, जैसे UMC चेंज करना वो कैसे बताते हैं? बराबर है। और आपने जो डबल डेकर के लिए आया था तो आपका पर्पज सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? जी सर बिल्कुल, जैसे प्रोसेस मेन प्रोसेस होता है कि आपको कैसे चेंज करना, क्या रीडिंग जा रहा है, अगर आप चेंज कर रहे हो क्या रीडिंग, अगर रीडिंग नहीं पता आप 10 बार लगा लो उससे क्या मतलब, अगर 10 बार में एक बार सक्सेस उसे मतलब नहीं, एक बार लगाइए सक्सेस हो वो परफेक्ट बॉलिंग, वो प्रैक्टिस करते रहेंगे आपका हैंड क्लियर होता रहेगा, है ना, हैंड स्किल आपकी क्लियर होती रहेगी। जी सर तो अभी जाके क्या मिथिलेश क्या प्लानिंग है, इंस्टीट्यूट में क्या क्या चेंज करना चाहोगे, अपने इंस्टीट्यूट को भी अपडेट करना चाहोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे सर, जब अगर हम अपडेट हैं तभी तो हम अगले आदमी को अपडेट कर पाएंगे ना। बराबर है, और अब डबल डेकर आप भी सिखाओगे जी, विश यू गुड लक, आप हमारी एशिया टेलीकॉम की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जाइए आप अच्छे से सिखाइए, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, आपके स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने रिबॉलिंग और रिबॉलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर की है। डबल से लास्ट डे क्या करके गया सर? डबल डेकर की है लास्ट में। डुअल डेकर की है ना, आपने लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गया। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट खोल दे, तो कैसा रिबॉल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। आप मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट Thank you, Dr.